लिली को ब्लू कटर, हाँ, और मेरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये देखो कटर भी ग्रीन है। लिली तो मैं एक ड्रेस ही मुझे दे देगी। तो अभी यहाँ पे चल रही सब्जी खाने की तैयारी। कौन सा कलर बोलेंगे? आसमान, आसमानी ना। और ये ब्लू, ये क्या हुआ फिर? ये भी तो ब्लू हुआ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह 7:20 हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ किचन पे। अभी मैंने ब्रश कर लिया, मुँह तो नहीं धोया, मतलब मुँह खाली पानी से धोया है, साबुन से या फेस वॉश से नहीं धोया, ब्रश कर लिया, फ्रेश हो चुकी हूँ, तो किचन पे आ चुकी हूँ। तो फटाक से सबसे पहले तो मैंने दूध मंगा लिया इनसे, क्योंकि दूध हो चुका था ख़त्म। तो दूध यहाँ पे बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है, ये रहा। और साथ में पतिदेव ने यहाँ पे बना दिए हैं डुबके मेरे ऊपर आने तक। तो यहाँ पे किचन में बहुत मस्त वाली खुशबू आ रही थी, तो यहाँ पे बन रहे भटके डुबके। साथ में जोई और सैंडी के लिए हो रहे हैं अंडे बॉईल। और यहाँ पे हम लोगों ने जरा सा मूली को सुखाया था कोर के, तो ये सूखी गई है लगभग, तो उसको भी डब्बे में डाल के रख देंगे। और आज थोड़ा सा ना मौसम गड़बड़ाया हुआ है, ये देखिए बाहर दिख रहा होगा, तो मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अब मैं फटक से बनाती हूँ अपने लिए चाय, और इनके लिए दूध गर्म हो रहा है तो दूध दूंगी इनको, अपनी पीऊँगी चाय। और आज से थोड़ा सा रूटीन चेंज हो चुका है, क्योंकि इसलिए फटाफट काम करना है। सब्जी पे मुझे लग रहा है इस टाइम पापा आज भी पाकचोई लेके आएंगे। आप सच नहीं मानोगे, हम लोग आजकल ना 3-4 दिन से पाकचोई खा रहे हैं सुबह भी शाम भी, इसलिए क्योंकि पाकचोई नहीं तो फिर उसका सीजन ख़त्म होने वाला है, फिर वो ज़्यादा वो नहीं होती, क्या कहते हैं, झिनड़ी, हाँ झिनड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग फटाफट अभी पाकचोई ही ख़त्म कर रहे हैं। तो बस अभी कुछ नहीं, मैं फटाफट पहले ये करती हूँ, फिर 10 बजे जाना है मुझे ट्रेनिंग पे। फिर मैं कह रही थी ना आपसे बहुत जल्दी हमारी एक और ट्रेनिंग होने वाली है, तो हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली थी बुनाई की होने वाली थी, बट बुनाई की ट्रेनिंग नहीं हो रही, अभी हो रही है एप्पड़ की ट्रेनिंग। तो उसमें हमको सिखाएंगे एप्पड़ करना, वैसे एप्पड़ करना हमको आता है, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें सर बोले थे कि साड़ी में, दुपट्टे में, स्टॉल में, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। पहले स्टार्टिंग बेस से सिखाएंगे हल्के हल्के स्केल और पेंसिल से, तो देखते हैं आज कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ये देखो कैसे छुपाया इसने मुँह, इसने अपने बाल काट के कैसे बना दिए, कुत्ते की पूंछ की तरह हो गए बाल। कुछ नहीं है। और इतनी जर्जरी क्यों हो रहे तेरे बाल? शैम्पू। और सुनो, जो तुम्हारा फेस वॉश खत्म हो गया ना यहाँ पे, उसको डिब्बे से उठाओ, डस्टबिन में डालो, खाली डिब्बे इकट्ठे मत करो, ठीक है? देख लो यहाँ पे कोई है जो है, ठीक है? तो कुछ नहीं, फटाफट इतना बोल रही हूँ, मुँह सूख गया बेटी। तो अभी मैं हो चुकी हूँ तैयार, और अभी बज चुका है 9:45, और फटाफट नहाया, फटाफट तैयार हो गई हूँ, क्योंकि लेट नहीं होना है, 10 बजे तक पहुँच जाना है। 10:05 भी जाएगा, चल जाएगा थोड़ा बहुत, बट अभी थोड़ी देर में लीली आ जाएगी। श्रेया के पापा के लिए अभी रोटी नहीं बनाई है, तो फटाक से मैं सोच रही रोटी बना दूँ, पर वो बेचारे बोल रहे कि मैं शाम की रोटी भी खा लूँगा, बट नहीं, मैं उनके लिए रोटी बनाती हूँ और थोड़ा सा अपना खा लेती हूँ, फिर बाकी आके खाऊंगी। हमें सीढ़ी चढ़ गई मेरे, हाँ अपना श्रेया के पापा नहीं होते तो क्या होता, सुबह से बहुत चीज़ें इन्होंने कर दी, सब्जी इन्होंने बनाई, साग इन्होंने बनाया, सिर्फ मैंने चावल बनाया और थोड़ा मैंने झाड़ू पोछा किया, बस हो गया। मैं थोड़ा सा रोटी बना देती हूँ इनके लिए। नाश्ता देखो मैं कर रही हूँ, रोटी और पाकचोई की सब्जी, सिंपल सा खाना है, सिंपल ही खाना भी सिंपल ही है और खाना भी सिंपल ही है, मतलब। तो फटाफट मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और इन लोगों का नाश्ता खाना, मतलब इन लोगों का लंच तो बिल्कुल तैयार है, ये लोग अपना कर लेंगे, बच्चे और पतिदेव। और यहाँ पे अपनी पानी की बोतल भी रख ली है। मुझे ना ऐसा वाला फील आ रहा है कि मतलब सुबह मैं जॉब लग गई है और मुझे दौड़ा दौड़ जाना है। इससे पहले भी हमने ट्रेनिंग की थी, पर जो ट्रेनिंग थी वो 11 बजे की थी, इसलिए आराम से हो जाता था, और मुझे लग रहा है कि मुझे और अभी और जल्दी करना है, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग फिर से आज आ चुके हैं मिलन केंद्र में, देखिए ये दिख रही है जानी बेचारी, कुछ लग रही है कौन है करके, ये मुझे से बात हुई ट्रेनिंग में भी थी, और इस बार मेरी ट्रेनिंग में नहीं नंबर है लिली, मेरे को तो लोगों से पहचाना ही नहीं होगा। यहाँ मुनी जी दोनों लगे हुए हैं काम में, मुनी जी पहचाना होगा, ये ला अब पहचाना, अब पहचाना, अब पहचाना बाबा, पहली बार ऐसा हो जल्दी पहुंच गए, जैसे अभी हमें यहाँ पे एक ड्रॉइंग की कॉपी, रबर कटर और पेंसिल मिला है, लिली को भी मिला है, लिली को ब्लू कटर, हाँ, और मेरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये देखो कटर भी ग्रीन है।
लिली तो मैं एक ड्रेस ही मुझे दे दे क्योंकि सेम मेरा मैचिंग हो रहा है तेरी ड्रेस से। तो अभी हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो बैठे बताऊंगे मैडम बैठी आगे ये ऐसे बैठे बच्चे ये तो मुझे। तो ये हमारा 2 महीने का प्रशिक्षण है एप्पल क्राफ्ट एंड आधारित पर 2 महीने का। फिर मैं पहुंच चुकी हूँ घर और अभी बजा करेक्ट 1 बजा हुआ है और आज थोड़ा सा जल्दी से छोड़ दिया गया क्योंकि आज थोड़ा फॉर्म जो आ रहे हैं नए बच्चे तो उनके चक्कर में तो जल्दी छोड़ दिया फॉर्म भरे जा रहे हैं। कल से हमारी 2 बजे छुट्टी होगी और सिर्फ संडे को मिलेगा छुट्टी का बस हो गया। तो अभी मैं फटाफट आ चुकी हूँ किचन है क्योंकि मुझे लगी बहुत जरूरी भूख। तो मैं यहाँ पर इंजॉय करती हूँ डुक्का भात अंधेरा क्यों रहा अंधेरा क्यों रहा है और थोड़ा सा लिली के साथ थोड़ा मार्केट जाना है मुझे ऊन लेने जाना है क्योंकि स्वेटर का ऑर्डर आया है एक दो तो उसके लिए फटाफट ऊन भी लेके आती हूँ। तो मैं अभी निकल चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए लिली के साथ। तो लिली आ रही है मुझे मिलेगी छिला पीवा में तो अभी हम लोग मुझे मिलते हैं साथ मार्केट। तो दोस्तों अभी बज चुका है 5:30 और मैं आ चुकी हूँ मार्केट से और मार्केट से मैं और जो लिली गए थे वहाँ पर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं करा कोई भी व्लॉग नहीं करा क्योंकि हम लोग बाजार गए थे फटाफट सामान खरीद के फटाफट आने का हमारा था क्योंकि मौसम हो रहा था ख़राब और बाहर हो चुकी हल्की हल्की सी बारिश क्योंकि बारिश का आज के लिए वैसे भी बताया गया था। मतलब भैया मिक्सी में काम कर रहे ये भी घर आ चुके हैं तो अब थोड़े मैं करूँगी डिनर बनाने की तैयारी और मैं ले आई हूँ ऊन जिस काम से गई थी वो ले आई हूँ ऊन लेके आई हूँ 2 स्वेटरों का और थोड़े से बटन लेके आई हूँ और थोड़ा सा चेन मंगाई थी और कुछ बना रही है वो उसके लिए तो वो भी ले आए हैं जो जो सामान हमने करना था वो हम ले आए हैं। तो बस तो अभी यहाँ पे चल रही है सब्जी बनाने की तैयारी। तो टमाटर और गाजर तो मैंने यहाँ पे काट लिया और मैं बना रही हूँ आज आलू और गोभी की सब्जी बंद गोभी की सब्जी। तो फटाफट मैं बना लेती हूँ सब्जी और साथ में आटा भी गूंथ लेती हूँ और करती हूँ डिनर बनाने की तैयारी। तो अभी हमारा यहाँ पे डिनर हो चुका है और तो यहाँ पे मैंने दिखा दी है चनों को कल सुबह चने का साग बनाया जाएगा। किचन कर दिया साफ बिल्कुल चमना चम आचम। तो ये रहे ऊन जो मैं आज मार्केट से लेके आई हूँ एक ऐसा ये किस तरह उसको कैसा कलर बोलेंगे आसमानी ना और ये ब्लू ये क्या हुआ फिर ये भी तो ब्लू हुआ। ये आसमानी ब्लू हुआ ये कैसा ब्लू हुआ ये शाही वाला ब्लू हुआ थोड़ा उसका हल्का कलर ना मतलब ये 2 कलर लेके आई हूँ कि हमने ढीने भी बना दिए हैं श्रेया के पापा मैंने मिलके दोनों ने जने गोला हाँ मतलब ढीने मतलब गोला अगर जिसको समझ में नहीं आएगा तो हमने यहाँ पे गोले भी बना दिए हैं। तो ये 2 कलर मैं लेके आई हूँ फिलहाल तो आज मार्केट से टीवी देख रहे हैं साथ में बुनाई कर रहे हैं साथ में गुल्ले भी बना रहे हैं। तो मैं अभी भी बैठ के और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई क्योंकि कर रहे हैं उनका पेपर अभी बच चुका है 9:15। तो इसी के साथ ब्लॉग के यहीं पर एंडिंग करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।